जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक 13 वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद फाइनली हमारी 14वीं यानी कि 14th वंदे भारत ट्रेन का भी फाइनल शेड्यूल और ट्रेन नंबर जारी कर दिया गया है। और आपको तो याद ही होगा कि बीते 8 अप्रैल को एक साथ दो वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया गया था, जो कि हमारी दोनों मिनी वंदे भारत ट्रेनें थी। और 8 अप्रैल के बाद सिर्फ 4 दिनों के भीतर हमारी अगली वंदे भारत यानी कि 14th वंदे भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग कल कर दिया जाएगा। तो इसका ट्रेन नंबर क्या होने वाला है और इसका शेड्यूल कैसा रहने वाला है कमर्शियल रन में, और साथ ही साथ इस ट्रेन में काफी बड़ा बदलाव भी हो चुका है अभी फिलहाल, तो सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस ट्रेन को न्यू दिल्ली से अजमेर के बीच में चलाने की बात की गई थी, और बीते 10 अप्रैल 2023 को इस ट्रेन से रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। और ये अपडेट ये है कि अब इस ट्रेन को न्यू दिल्ली से न चलाकर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से ही ऑपरेट की जाएगी, और ये ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच चलने वाली है। और इसमें काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है इनॉग्रेशन से पहले। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं इसके ट्रेन नंबर और कमर्शियल शेड्यूल के बारे में, और आगे मैं इसके इनॉग्रेशन से रिलेटेड भी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि इसका इनॉग्रेशन कब से होने वाला है और इसका इनॉग्रेशन कहां से होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं इसका कमर्शियल शेड्यूल के बारे में। तो इस ट्रेन का नंबर रहने वाला है 20977, जो कि अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलने वाली है। और ये वंदे भारत ट्रेन 429 यानी कि 429 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी 5 घंटे 15 मिनट में 3 होल्टों के साथ। और इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाला है। अगर इस ट्रेन की बात कर ले कि ये ट्रेन वीक में कितने दिन चलने वाली है, तो ये ट्रेन भी सभी वंदे भारत ट्रेनों की तरह वीक में सिर्फ 6 दिन चलेगी। वेडनेसडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि वेडनेसडे को इस ट्रेन का मेंटेनेंस होने वाला है। अगर इसकी हम कमर्शियल टाइमिंग की बात कर ले तो ये ट्रेन अजमेर जंक्शन से सुबह 6:20 पर छूटेगी और पहला स्टॉप जयपुर जंक्शन पर लेने वाली है, जो कि ये ट्रेन सुबह 7:55 पर पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद सुबह 8 बजे जयपुर जंक्शन से डिपार्चर लेगी। दूसरा होल्ट अलवर जंक्शन पर लेने वाली है, जो कि ये ट्रेन सुबह 9:40 पर पहुंचेगी और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 9:42 पर अलवर जंक्शन से भी निकलेगी। और तीसरा और लास्ट स्टॉप ये ट्रेन गुड़गांव पर लेने वाली है, जो कि ये सुबह 11:21 पर पहुंचेगी और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 11:23 पर गुड़गांव से भी निकलेगी और करीब 11:35 पर अपना फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले दिल्ली कैंट से अजमेर की तरफ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रेन नंबर और कमर्शियल शेड्यूल के बारे में, तो इस ट्रेन का ट्रेन नंबर होने वाला है 20978, जो कि दिल्ली कैंट से अजमेर की तरफ जाने वाली है। और ये ट्रेन भी 429 यानी कि 429 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी 5 घंटे और 15 मिनट में 3 होल्टों पर रुकते हुए। और इस ट्रेन का भी एवरेज स्पीड 81 किलोमीटर और मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाला है। और ये ट्रेन भी वीक में 6 दिन चलने वाली है, सिर्फ वेडनेसडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी। अगर इसकी हम कमर्शियल टाइमिंग की बात कर लें, तो ये ट्रेन दिल्ली कैंट से शाम 6:40 पर छूटेगी और पहला होल्ट गुड़गांव पर लेने वाली है, जो कि ये ट्रेन शाम 6:58 पर पहुंचेगी और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 7 बजे गुड़गांव से भी निकल जाएगी। दूसरा होल्ट अलवर जंक्शन पर लेने वाली है, जो कि रात 8:27 पर पहुंचेगी और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 8:29 पर अलवर जंक्शन से भी निकलेगी। और तीसरा और लास्ट स्टॉप ये जयपुर जंक्शन पर लेने वाली है, जो कि रात 10:15 पर पहुंचेगी और सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद 10:20 पर जयपुर जंक्शन से भी निकलेगी। और करीब 11:55 यानी कि 12 बजे रात में ये ट्रेन वापस अजमेर जंक्शन पहुंच जाएगी। और इस ट्रेन को कल यानी कि 12 अप्रैल 2023 से इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हालांकि इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इनॉग्रेट किया जाएगा। और दोस्तों, कल यानी कि 12 अप्रैल को ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में चलने वाली है, जो कि इस ट्रेन का इनॉग्रल रन रहने वाला है। और 13 अप्रैल से कमर्शियल रन में इस ट्रेन को अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलाया जाएगा, लेकिन कल के दिन इसे जयपुर से ही चलाया जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन का इनॉग्रेशन जयपुर से ही होने वाला है। और इससे रिलेटेड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। तो इस ट्रेन को पहली बार जयपुर से रवाना किया जाएगा, यानी कि इसका इनॉग्रेशन जयपुर जंक्शन से होने वाला है। और इसको कल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे जयपुर जंक्शन से दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया जाएगा। और इसको हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट करने वाले हैं और जयपुर जंक्शन से हमारे केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कि हमारी देश की 14th यानी कि 14वीं वंदे भारत ट्रेन होने वाली है। इस ट्रेन के चालू हो जाने के बाद पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह और भी जितने भी राजस्थान के पर्यटक स्थल है उनके कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार होने वाला है हमारे इस ट्रेन 18 की माध्यम से। और इस ट्रेन के चालू हो जाने के बाद आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने वाला है अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो। और दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने इस पर बात किया है कि हमारी अजमेर वंदे भारत ट्रेन अपने आप में एक बहुत ही खास वंदे भारत ट्रेन होने वाली, क्योंकि इसमें आपको हाई राइज पेंटो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर ले इसकी हाई राइज पेंटो के बारे में, तो इसकी टोटल लंबाई 7.2 मीटर होने वाला है, जो कि आपको एक हाई राइज पेंटो में ही देखने को मिलता है। एक नॉर्मल पेंटो से इसकी लंबाई लगभग 2 गुनी तक होती है। और दोस्तों, ये अप्रैल का महीना वंदे भारत ट्रेनों के लिए काफी ज्यादा खास महीना रहने वाला है, क्योंकि आप सबको याद ही होगा कि 1 अप्रैल 2023 को ही हमारी भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद बैक टू बैक वंदे भारत ट्रेनों का लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही है। और अगर बात कर ले अप्रैल महीने की, तो अब तक अप्रैल महीने में 3 वंदे भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन हो चुका है और कल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को हमारी देश की 14th वंदे भारत ट्रेन को भी इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अप्रैल के महीने में अब तक 4 वंदे भारत ट्रेनों का लॉन्चिंग हो जाएगा। हालांकि इस ट्रेन को चलाने की चर्चा जब से शुरू की गई थी, तब से ही बोला गया था कि इस ट्रेन को न्यू दिल्ली से चलाया जाएगा, लेकिन इनॉग्रेशन से सिर्फ 2 दिन पहले इसमें बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया गया और अब इस ट्रेन को दिल्ली कैंट से चलाया जाएगा। और दोस्तों, जो ट्रेन नंबर और टाइम टेबल मैंने आपको बताया, वो हमारी अजमेर वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल टाइम टेबल और नंबर रहने वाला है। इनॉग्रल रन में इस ट्रेन का टाइम टेबल और नंबर आपको अलग देखने को मिलेगा और जो कमर्शियल टाइम टेबल मैंने आपको बताया उसमें आगे चल के छोटे बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं इनॉग्रेशन के बाद। तो फाइनली कल यानी कि 12 अप्रैल को हमारी मोस्ट डिमांडेबल और मोस्ट वेटेड अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा और हमारे देश को एक और नई वंदे भारत ट्रेन कल के डेट में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।